आप लोगों के सामने इस वीडियो को गत के समीकरण का सलूशन और निगमन करेंगे हम। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था, गत के प्रकार, गत के समीकरण, आज हमारा टॉपिक रहेगा गत के समीकरण। तो समीकरण पहले देखिए, हमारा समीकरण है क्या, फर्स्ट समीकरण होता है, सेकंड थर्ड समीकरण आपका दिया गया है। फर्स्ट समीकरण हमारा है वी बराबर यू प्लस ए टी, उसके बाद सेकंड समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड समीकरण है वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ जो ये पॉइंटमेंट आपके वैल्यू दिए गए, अर्थात ये क्या हैं ये जानेंगे। यहाँ लिखा गया आपका कि u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v क्या है वस्तु का अंतिम वेग, और a क्या है त्वरण अर्थात एक्सीलेशन आपका है, t क्या है समय, s क्या है वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यस क्या है वस्तु द्वारा चली गई दूरी। फिर से समझिए, आपका भी बराबर यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपका है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। थर्ड इक्वेशन आपका है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक। अभी इन्हीं समीकरणों का हम निगमन करेंगे, अर्थात सोल्यूशन किया जाएगा कि फर्स्ट समीकरण का निगमन कैसे किया जाएगा, सेकंड का कैसे किया जाएगा, ठीक। चलिए हम देखते हैं कि हमारा समीकरण का निगमन कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हम पहले समीकरण का निगमन करेंगे। पहला समीकरण हमारा है भी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ मानते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग यू है तथा इसका अंतिम वेग भी, और उसमें त्वरण उत्पन्न त्वरण ए टी समय अंतराल में, टी समय अंतराल में। यहाँ लिखेंगे प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण का निगमन तब का होगा माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग भी, अंतिम वेग भी, और उसमें उत्पन्न त्वरण ए टी समय में। तो यहाँ उत्पन्न त्वरण, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण मतलब किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु में जो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ त्वरण बराबर हमारा फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को अभी हमने पहले इसके बताया है कि त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं ए से, तो एक इक्वल टू हो जाएगा। अब वेग परिवर्तन मतलब उसका वेग परिवर्तन क्या हो रहा है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसा कि यहाँ दिखा देते हैं आप लोगों को कि अगर यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ से इसका प्रारंभिक वेग क्या था, u, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, तो अर्थात उसके वेलोसिटी में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो v माइनस u करते हैं, अंतिम वेग माइनस u करेंगे तब उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन माना जाएगा। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई क्या हो जाएगा, t, समय हमारा क्या है t, तो बाई वन कर लेंगे मल्टीपल होगा, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू। उसके बाद हम u को क्या करेंगे, पश्चांतर करेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंस दैट v इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका u प्लस ए टी,
अर्थात ए टी प्लस यू, पश्चांतर कर लेंगे तो यहाँ वी बराबर आपका हो जाएगा यू प्लस ए टी। वी बराबर क्या हो जाएगा? यू प्लस ए टी। ये आपका प्रथम समीकरण प्रूफ हो गया। फिर से देखिए, त्वरणिक बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तन हमारा जो होता है वेग परिवर्तन वी माइनस क्यू बाई टी होता है। तो हमें प्रूफ करना है प्रथम समीकरण, तो टी को हम ए से मल्टीपल कर सकते हैं, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यू को यहाँ पश्चांतर कर सकते हैं तो वी इक्वल टू हो जाएगा ए टी प्लस यू। अब हमें प्रूफ करना है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रथम समीकरण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हम सेकेंड समीकरण करेंगे, सेकेंड समीकरण करेंगे हमारा एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, अब सेकेंड समीकरण देखेंगे, हमारा सेकेंड समीकरण होगा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय समीकरण का निगमन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। तो द्वितीय समीकरण हमारा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहाँ ये फार्मूला हमारा होगा वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। फार्मूला हमारा क्या होता है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। अब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से। औसत वेग एवरेज देखेंगे, यहाँ एवरेज आपका देखा जाएगा। तो यहाँ अर्थात ये अगर कोई वस्तु यहाँ थी, अब यहाँ पे अराइव्ड कर रही है, पहुँच रही है, तो इसका औसत वेग निकालेंगे u प्लस वी करेंगे। क्या करेंगे, u प्लस वी बाई टू। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा एवरेज का u प्लस वी बाई टू, ये औसत वेग का फार्मूला होगा। औसत वेग तो यहाँ वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा औसत वेग गुणे समय। तो s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू मल्टीपल टी, क्या हो जाएगा, मल्टीपल टी। तो अब यहाँ हम u का मान रख सकते हैं, अर्थात v बराबर प्रथम समीकरण में प्राप्त किए हैं v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण प्राप्त किए कि नहीं। तो यहाँ पे हम v का मान रख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे ले जाके हम v का मान रख सकते हैं। तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी बाई क्या हो जाएगा, टू, और मल्टीप्लाई टी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इस u को जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, टू यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू यू प्लस ए टी बाई टू मल्टीप्लाई टी हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हमारा हो जाएगा। ठीक, आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, सपोज दैट अब इस ये पूरे का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, टू है, दोनों टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि अगर 3 + 4/5 होता है तो इसको 3/5 + 4/5 कर लेते हैं। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। तो यही रूल्स यहाँ फॉलो करेंगे हम कि s इक्वल टू टू यू प्लस ए टी बाई टू मल्टीप्लाई क्या है, टी है। तो इसको अलग करेंगे, टू यू प्लस बाई टू करेंगे प्लस ए टी बाई टू मल्टीपल टी। अब ये टू टू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक, तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी बाई टू मल्टीप्लाई टी। अब इस टी का अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ s इक्वल टू हो जाएगा यू टी, अब इस टी का मल्टीप्लाई यू से करेंगे फिर ए टी से कर लेंगे, तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर।
जब टी से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो भाई यहाँ क्या है, टू है, तो एस इक्वल टू इसको कर सकते हैं यू टी प्लस वन बाई टू इंटू ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, सेकेंड समीकरण होगा, क्या होगा, सेकेंड समीकरण, गति का हमारा सेकेंड समीकरण। अब हम थर्ड समीकरण को देखेंगे कैसे निगमन किया जाएगा, ठीक। चलिए फिर थर्ड समीकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक। धन्यवाद।